शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वासी जी प्लीज प्लीज बचा लो मेरे बच्चे को। कंप्लेंट अपन से लेना प्लीज। उठिए प्लीज। इधर आइए। किस पत्थर के सामने माता पीट रही हैं? जिस दिल का ये दावा करती है ना, उसके सीने में है ही नहीं। इसकी जिद इतनी पत्थर है ये पत्थर, और इसकी जिद इतनी कट्टर है कि ये पूरे परिवार को ले डूबेगी ना, तो भी इसे एहसास नहीं होगा कि ये गलत है। इसे लगता है जो ये करती है वो सही। खुद ही कोर्ट, खुद ही जज, खुद ही वकील, लड़ाई भी इसकी, फैसला भी इसका। पहले भी तो तुमने यही ना, तुमने हमारे पापा के साथ ऐसा क्यों किया? मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा क्यों? आशी जी, हम आपका दर्द समझते, आपकी तड़प समझते। नहीं आशी, नहीं, तुम मेरा दर्द समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम एक माँ नहीं हो, तुम्हारी एक औलाद नहीं है। जब एक बच्चे को चोट लगती है ना, तो दर्द माँ को होता है। मेरे राघव ने कोई गलती नहीं की, फिर भी वो वहां सजा भुगत रहा है। मेरा दिल रो रहा है। तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझ पाओगे आशी, कभी नहीं। हम जाते हैं मासी जी, हम एक माँ नहीं है, पर एक औरत तो है ना। एक औरत होने के नाते हम एक औरत का दर्द समझ सकते। मैं भी चमेली का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। चमेली, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मेरा भी दिल कांप उठा है। बट आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी, लेकिन मेरा बेटा राघव ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? आप क्यों समझाएंगी? हम समझाएंगे उसे। नीलिमा जी, हम समझाएंगे आशी को। हम काकी हैं उसकी। अरे, हमने आशी को पाल पोस कर बड़ा किया है। आप चिंता मत कीजिए, आशी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपके परिवार पर कोई आ जाए। और तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों फंसा रही हो तुम राघव को? चंद पैसों के लिए, है ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ हमें, कितने पैसे चाहिए? सच बताती हो या लगा एक थप्पड़? माँ, काकी, आप ऐसे चमेली पे हाथ नहीं उठा सकती। आप ऐसे उससे सच नहीं निकलवा सकती। दाई माँ, आप इसे प्लीज ले जाइए। काकी माँ, आप ये क्या कर रही थी? आपने जो चमेली के साथ बर्ताव किया वो सही नहीं था। तो तुम बताओगी हमें क्या सही है और क्या गलत? नहीं काकी माँ, हम आपको सही गलत नहीं बता रहे। बात सही है गलत की नहीं, बात इंसाफ की है। उस लड़की की है जिसके साथ ना इंसाफी हुई है। चमेली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो दिल से कितनी बुरी तरह से टूट गई है। और आप, पापा, मेरी अभी एक वकील से बात हुई है, उसने मुझे मिलने बुलाया है। उसके लिए हमें शहर जाना होगा। सिट बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अगर आप लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ? हाँ सर, नथिंग इज अवेलेबल एट द आउटस्कर्ट। कोई भी लॉयर यहाँ आने के लिए मना कर रहा है। अगर हम शहर में होंगे तो हजारों चीजें अवेलेबल हो जाएगी।
वैसे भी यहाँ नेटवर्क इश्यूज भी बहुत है। हमें तो लगता है ये घर ही मनोज है। ये घर कला माँ का मंदिर है। हमारा मतलब है कि सिड तो वैसे ही इस घर में आना नहीं चाहता था, है ना? कहा था ना तुमने? तो मतलब इस घर में कोई ना कोई हादसा हुआ है ना? तभी तो। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ आ ही गए हैं, तो अब देखो जब से आए हो कुछ ना कुछ होते जा रहा है। भाई हम तो कहते हैं कि अच्छा यही होगा, आप सब हमारे साथ लौट चलो हमारे घर। सिड, मुझे लगता है हमें वापस लखनऊ जाना चाहिए। कह रहा चलो बैक पैक करते हैं। लेट्स डू द पैकिंग। अपनी पैकिंग शुरू करो। कामनी तुम भी चलो। शुक्र है राम जी का, सब वापस घर चले तो ही अच्छा है। कम से कम वहां हम आशी पे नजर तो रख पाएंगे, कहीं ये लड़की कोई ऐसा काम ना करे जिसका नुकसान हमारे कुणाल को भरना पड़े। हाथों में हाथ एक दूजे के पास, हमें याद तो रहना चाहिए ना। चाहेंगे तुम्हे इतना, चाहेंगे तुम्हे देखो मम्मा, ये मैं, ये आप और ये पापा, हम तीनों एक साथ रहेंगे। हाँ।
और खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, है ना? सेठ कहाँ गया? कहाँ चला गया ये लड़का? कहाँ है? देख मैंने तुझे बहुत ढूंढ लिया, अब सामने आ जाना। नहीं आएगा तो मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। नहीं मम्मा, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।